हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पी के शर्मा एंड यू आर वाचिंग मी आवर यूट्यूब चैनल आयांस लर्नर एकेडमी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा कॉमन हैंड टूल्स चैप्टर चल रहा था, इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हम लोग देख चुके थे वाइस के बारे में, हैमर के बारे में, स्पैनर के बारे में, फाइल के बारे में, चीजल के बारे में और पिछली वीडियो में हम लोग देखे थे प्लायर के बारे में। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने मेरी ये वीडियो नहीं देखी है तो मैंने इसका लिंक जो है प्लेलिस्ट की जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप लोग जाइए वहाँ पे और वहाँ पे क्लिक करके इन वीडियोस को देख लीजिए, फिर इस वीडियो को देखिएगा। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख ही चुके होंगे कि हमारा जो आज का टॉपिक है वो है स्क्रू ड्राइवर। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे स्क्रू ड्राइवर क्या होता है, इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है और इसका स्पेसिफिकेशंस जो है कैसे दिया जाता है। फ्रेंड्स, आपको स्टार्टिंग में ही बताया गया था कि किसी भी टूल्स का स्पेसिफिकेशन जानना आप लोगों के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि बिना स्पेसिफिकेशन के आप टूल्स को परचेज नहीं कर पाएंगे। या फिर मान लीजिए कहीं जा रहे हैं एग्जाम देने तो आपको टूल्स का स्पेसिफिकेशन ही देना पड़ेगा, तभी आपको वो पर्टिकुलर टूल्स आपको मिलेगा कार्य करने के लिए। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। सबसे पहले देखते हैं, देखिए फ्रेंड्स, चित्र में जो टूल दिखाया गया है यही आपका क्या है, स्क्रू ड्राइवर है। फ्रेंड्स, आपको बताया गया था स्पैनर। स्पैनर क्या होता है, एक असेंबली एंड डिसअसेंबली क्या होता है, टूल्स होता है। स्पैनर एक असेंबली एंड डिसअसेंबली टूल्स होता है। उसी तरह आपका जो है स्क्रू ड्राइवर भी होता है, एक असेंबली एंड डिसअसेंबली टूल होता है। स्पैनर क्या करता है फ्रेंड्स, नट एंड बोल्ट को टाइट या लूज करता है, टाइट या क्या करता है, लूज करता है। उसी तरह आपका जो है स्क्रू ड्राइवर जो होता है, स्क्रू को टाइट या लूज करता है, टाइट या लूज किसको करेगा, स्क्रू को। ठीक है फ्रेंड्स, इसीलिए इसको हम लोग स्क्रू ड्राइवर करते हैं, क्योंकि यह स्क्रू को घुमाकर उसे टाइट या लूज करता है। तो ड्राइवर मतलब जानते हैं क्या, चालक होता है, तो यह स्क्रू को चलाता है, इसीलिए हम लोग इसे स्क्रू ड्राइवर कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, स्क्रू ड्राइवर के मेन रूप से तीन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला नंबर पार्ट जो होता है हैंडल होता है, दूसरा पार्ट्स जो होता है सैंक होता है, और जो चपटा वाला भाग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, टिप पे जो बना होता है उसे हम लोग कहते हैं ब्लेड। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं जो आपका ये हैंडल है, ये वाला पार्ट क्या है, हैंडल। फ्रेंड्स, हैंडल आप लोग जानते हैं, हैंडल जो है क्या करेगा, इसको पकड़ के हम स्क्रू ड्राइवर को घुमाते हैं। हैंडल आपका जो है हार्ड वुड का रहेगा, वुडन रहेगा या फिर प्लास्टिक का रहता है। पहले वुडन रहता था, अब प्लास्टिक के हैंडल आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नीचे वाला जो पार्ट होता है हैंडल जिसमें लगा होता है उसे बोलते हैं बॉडी या सैंक। फ्रेंड्स, सैंक या बॉडी जो होती है सैंक जो होता है स्क्रू ड्राइवर का, वह इंसुलेटेड होता है, क्योंकि जब इलेक्ट्रिशियन वर्क किया जाए तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाए, तो अगर यहाँ पे टच हो जाए तो इलेक्ट्रिक शॉक न लगे, हाथों में इलेक्ट्रिक झटका न लगे। नीचे वाला जो पार्ट होता है फ्रेंड्स, ये जो होता है इसको बोलते हैं ब्लेड। ब्लेड क्या होता है फ्रेंड्स, यह चपटा होता है, फ्लैट होता है और पॉइंटेड होता है, फ्लैट एंड पॉइंटेड मतलब शार्प एज का होता है, चपटा होता है। जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है कि जो आपका स्क्रू ड्राइवर होना चाहिए, ये राइट दिखाया गया है, रॉन्ग दिखाया गया है, तो ये बिल्कुल यहाँ पे क्या होना चाहिए, इसे नुकीला होना चाहिए, जो इसकी जो एज होती है ये बिल्कुल क्या हो, ये जो वाली एज जो है बिल्कुल शार्प होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए, आपका जो है हैंडल क्या होता है, लकड़ी या प्लास्टिक का बना होता है, इससे हम लोग स्क्रू को घुमाते हैं। बॉडी इंसुलेटेड होती है, फ्लैट होती है। अब देखते हैं फ्रेंड्स, बॉडी का मटेरियल क्या होता है, या फिर कह सकते हैं कि स्क्रू ड्राइवर का मटेरियल क्या होता है।
तो फ्रेंड्स, इसका जो मटेरियल होता है स्क्रू ड्राइवर का, वो होता है हाई कार्बन स्टील। मटेरियल जो होता है हाई कार्बन स्टील या फिर एलॉय स्टील, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके ब्लेड को, जो ये ब्लेड है, इसको हार्ड टेम्पर कर दिया जाता है, हार्ड या टेम्पर, तब हार्ड और टेम्पर्ड दोनों किया जाता है ताकि ब्लेड जल्दी से खराब ना हो, अधिक समय तक तो कार्य करता रहे। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा टूल टूटी फाइलों के द्वारा बनाया जाता है। तो आपका जो स्क्रू ड्राइवर होता है, ब्रोकन फाइल के द्वारा भी बनाया जाता है। ब्रोकन फाइल मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा औजार ब्रोकन फाइल के द्वारा बनाया जाता है। तो आप बताएंगे कि स्क्रू ड्राइवर जो होता है यह ब्रोकन फाइलों के द्वारा भी बनाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा था स्क्रू ड्राइवर का बेसिक इंट्रोडक्शन, जिसमें बताया गया है कि आपका स्क्रू ड्राइवर एक असेंबली डिसअसेंबली औजार है। इसके द्वारा हम नट सॉरी स्क्रू स्क्रू को टाइट या लूज करते हैं। इसका हैंडल वुडन या प्लास्टिक का होता है। बॉडी जो होती है, ब्लेड और बॉडी आपका हाई कार्बन स्टील या एलॉय स्टील के बने होते हैं। कभी कभी इसे फाइल का भी बनाया जाता है और बॉडी को इंसुलेटेड कर दिया जाता है। जो इसका ब्लेड का एज जो होता है, बिल्कुल क्या होता है, शार्प होता है, तीक्ष्ण होता है। फ्रेंड्स, आगे देखते हैं स्क्रू ड्राइवर कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर फ्रेंड, स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर, हैवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर, फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर, ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर, रैचेट स्क्रू ड्राइवर, मैगजीन स्क्रू ड्राइवर और वॉचमेकर स्क्रू ड्राइवर। फ्रेंड्स, स्क्रू ड्राइवर बहुत से होते हैं, लेकिन यही जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो आप जो आपका जो ट्रेड है, फिटर, फिटर टर्नर, टर्नर और मशीनिस्ट, मेन रूप से जो इन तीनों ट्रेडों में ज़्यादातर, या फिर फिटर टर्नर और मशीनिस्ट के द्वारा, इन्हीं में से कोई आपका स्क्रू ड्राइवर ज़्यादातर प्रयोग में लाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जो है देखेंगे एक एक करके इन्हीं को, इन्हीं के बारे में। तो सबसे पहला नंबर जो है स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर है। स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर ये आपके चित्र में दिखाया गया है। इसका जो ब्लेड होता है फ्रेंड्स, चपटा होता है। ब्लेड क्या होता है, फ्लैट होता है। और जनरली जो है यही उपयोग किया जाता है। ज़्यादातर स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर का ही इस्तेमाल किया जाता है, अधिकतर यही प्रयोग किया जाता है, इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर, ठीक है फ्रेंड। इसके बाद है हैवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर। जो हैवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर होता है फ्रेंड्स, ठीक आपका सिमिलर टू स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर, सिमिलर टू स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर, मतलब यह स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर के समान ही होता है, लेकिन जो इसकी शैंक होती है वो क्या होती है, स्क्वायर होती है, वर्गाकार होती है, स्क्वायर होती है। जो इस स्क्रू ड्राइवर की जो शैंक है वो क्या होती है फ्रेंड्स, वर्गाकार होती है। आप देख रहे होंगे स्पैनर लगा के इसको घुमाया जा रहा है। यह हैवी वर्क के लिए इस्तेमाल किया जाता है, हैवी वर्क। जो स्क्रू ड्राइवर होता है फ्रेंड्स, हैवी वर्क के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ये वाला जो स्क्रू ड्राइवर होता है फ्रेंड्स, लाइट ड्यूटी और हैवी ड्यूटी दोनों के लिए होता है, लाइट ड्यूटी और हैवी ड्यूटी दोनों के लिए होता है, लेकिन ये वाला जो है केवल हैवी ड्यूटी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसे घुमाने के लिए हम एक स्पैनर का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए फ्रेंड्स, अगला जो है फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर है। फ्रेंड्स, इसका जो ब्लेड वाला पोर्शन होता है, इसमें फोर फ्लूट होते हैं, फोर फ्लूट्स का मतलब होता है चार नालियां बनी रहती है। और देखेंगे इसको सामने से तो एक क्रॉस दिखेगा, क्रॉस शेप में यह दिखता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। और यह जो स्क्रू ड्राइवर है फ्रेंड्स, फिलिप्स स्क्रू को खोलने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जैसे आप लोग देखे होंगे रेडियो, टीवी या फिर ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में फिलिप्स स्क्रू ही लगा रहता है, तो उसी को टाइट करने के लिए या फिर लूज करने के लिए फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग किया जाता है। अगला है फ्रेंड्स आपका ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर।
इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इसकी जो ब्लेड्स होती हैं 90 डिग्री के कोण पर मुड़ी होती है। इस स्क्रू ड्राइवर की जो ब्लेड्स होती हैं 90 डिग्री के कोण पर मुड़ी होती हैं फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। और बीच में हैंडल होता है, इसमें कोई वुडन हैंडल नहीं होता है, स्वयं ही हैंडल का काम करता है। तो इसका प्रयोग फ्रेंड्स वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे हम स्क्रू ड्राइवर नहीं लगा सके, मतलब जगह कम है और वहाँ पे स्क्रू लगा है, तो उस स्क्रू को टाइट या लूज करने के लिए हम लोग ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब जहाँ पे हमारा स्क्रू ना पहुँच पाए वहाँ पे हम लोग ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करेंगे। अगला जो है फ्रेंड्स स्क्रू ड्राइवर है, रैचेट स्क्रू ड्राइवर है। देखने में स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर की तरह होता है, लेकिन यह केवल एक ही डायरेक्शन में घूमता है, ओनली वन डायरेक्शन, ओनली वन डायरेक्शन। इसमें डायरेक्शन सेट करने के लिए दिया रहता है, जिसे सेट कर देंगे तो ये अगर स्क्रू को टाइट कर रहा है तो केवल टाइट ही करेगा, रिवर्स घुमाते समय इसका ब्लेड नहीं घूमेगा। इस स्क्रू ड्राइवर का ये जो ब्लेड है ये नहीं घूमेगा, केवल हैंडल क्या होगा घूम जाएगा, ब्लेड नहीं घूमेगा, हैंडल घूमेगा। और जब इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में घुमाएंगे तो हैंडल और ब्लेड दोनों एक साथ घूमेंगे। तो इसमें एक फायदा ये होता है कि आप तेजी से स्क्रू को टाइट कर सकते हैं, स्क्रू फास्टली टाइट हो जाएगा, फास्ट टाइट होगा, टाइट होगा, ठीक है फ्रेंड। स्क्रू जो है आपका बहुत तेजी से क्या होगा, टाइट हो जाएगा। अगला जो है मैगजीन स्क्रू ड्राइवर है फ्रेंड। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बंदूक में मैगजीन लगी होती है जिसमें ढेर सारी गोलियां होती हैं, और जैसे एक गोली समाप्त हो जाएगी तो दूसरी गोली ऑटोमेटिक आ जाती है, उसी तरह इसमें भी क्या होता है, हैंडल जो होता है हॉलो होता है और इसमें डिफरेंट साइज के ब्लेड लगे होते हैं, और हम लोग कॉलेट की सहायता से जब हमें आवश्यकता होती है अपना ब्लेड बदल बदल के क्या कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट साइज के स्क्रू, डिफरेंट साइज स्क्रू क्या किए जा सकते हैं, टाइट किए जा सकते हैं, टाइट या लूज किए जा सकते हैं। डिफरेंट साइज के स्क्रू जो है टाइट या लूज किए जा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसकी हैंडल जो होती है हालो होती है जिसमें डिफरेंट साइज के ब्लेड होते हैं। आगे देखिए फ्रेंड्स, अगला जो स्क्रू ड्राइवर है वो है वॉच मेकर स्क्रू ड्राइवर। फ्रेंड्स ये दे दिया है वैसे, ये जैसे एग्जाम पूछता है पीटर टर्नर मशीनिस्ट के द्वारा ये नहीं प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसका प्रयोग होता है कहाँ पर, देखिए टूल रूम में, जो है टूल रूम में या फिर वॉच मेकर्स के द्वारा इसका जो प्रयोग है टूल रूम में या फिर वॉच मेकर्स के द्वारा किया जाता है। इसकी साइज क्या होती है, स्मॉल होती है, स्मॉल साइज का ये स्क्रू ड्राइवर होता है। जनरली इसका प्रयोग वॉच मेकर के द्वारा किया जाता है, इसीलिए इसको वॉच मेकर्स स्क्रू ड्राइवर कहते हैं। टूल रूम में इसका क्या प्रयोग होता है फ्रेंड्स, जो प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं सूक्ष्म मापी यंत्र, आपको पढ़ा दिया गया है सारा सूक्ष्म मापी यंत्र, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में वो पड़ी है वीडियो, आप देख सकते हैं उसको जा करके। प्रिसीजन मेजरिंग टूल्स जो होते हैं उनको ठीक करने के लिए हम लोग वॉच मेकर स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स। तो फीटर टर्नर मशीनिस्ट के द्वारा इसका प्रयोग वही प्रिसीजन मेजरिंग टूल्स को खोलने या कसने के लिए ही किया जाता है, और इसका कोई उपयोग नहीं है। लेकिन वॉच मेकर जो है केवल और केवल इसी स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करता है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं हम लोग, देखेंगे स्क्रू ड्राइवर का स्पेसिफिकेशन। फ्रेंड्स स्पेसिफिकेशन से पहले हम लोग देखते हैं स्क्रू ड्राइवर की साइज, साइज ऑफ स्क्रू ड्राइवर। तो पीछे चलते हैं थोड़ा सा, पीछे की वीडियो पे, पीछे की स्लाइड पे, सॉरी। हाँ यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड्स, साइज पहले देख लेते हैं फ्रेंड्स। जो स्क्रू ड्राइवर की जो साइज होती है इसके ब्लेड की चौड़ाई, ये ब्लेड कितना चौड़ा है, ब्लेड की चौड़ाई, विड्थ ऑफ ब्लेड, और
यह कितना लंबा है, इसकी जो बॉडी है कितनी लंबी है उसी से दी जाती है लेंथ ऑफ साइन। यह स्क्रू ड्राइवर कितना लंबा है, जैसे स्मॉल साइज के लिए जो आपका स्क्रू ड्राइवर होता है उसकी जो लंबाई होती है, लेंथ जो होती है क्या होती है, 45 मिलीमीटर, और जो ब्लेड की जो चौड़ाई होती है 3 मिलीमीटर होती है। लार्ज साइज के लिए क्या होता है, 10 मिलीमीटर, और जो इसकी लेंथ होती है 300 मिलीमीटर होती है। ठीक है फ्रेंड, तो जो स्क्रू ड्राइवर की लंबाई होती है लार्ज साइज वर्क के लिए वो आपकी 300 मिलीमीटर होती है, जबकि स्मॉल के लिए 45 होती है, और जो ब्लेड की जो चौड़ाई होती है स्मॉल वर्क के लिए आपका 3 मिलीमीटर होती है, और लार्ज वर्क के लिए आपका 10 मिलीमीटर होती है। तो ये आपकी स्क्रू ड्राइवर की साइज थी। तो अब देखते हैं फ्रेंड्स स्क्रू ड्राइवर का स्पेसिफिकेशन। तो स्पेसिफिकेशन में क्या होगा, सबसे पहले हम लोग बताएंगे साइज ऑफ स्क्रू। साइज ऑफ स्क्रू, ठीक है फ्रेंड, साइज ऑफ स्क्रू ड्राइवर। दूसरा आप बताएंगे टाइप्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर, टाइप्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर। फिर बताएंगे आप यूज ऑफ स्क्रू ड्राइवर, लाइट ड्यूटी चाहिए कि हैवी ड्यूटी, नहीं बताते हैं तो साइज में ही हो जाएगा। यूज ऑफ स्क्रू ड्राइवर, और लास्ट में आप बताएंगे मैन्युफैक्चरर ने। ठीक है फ्रेंड, तो स्क्रू ड्राइवर का स्पेसिफिकेशन कैसे दिया जाएगा, साइज ऑफ स्क्रू ड्राइवर, टाइप्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर, यूज ऑफ स्क्रू ड्राइवर, और मैन्युफैक्चरर नेम्स है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टे होम एंड बी सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।